शाना मकबूल की आई दाढ़ी तो लवकेश ने कहा दाढ़ी कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस की लाइव फीड में हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पर भाई शाना मकबूल के दोस्तों बात करें तो स्किन पर बाल आ जाते हैं, जहाँ पर भाई शाना मकबूल कहते हैं कि बाल मेरे दोबारा आ गए, अब मैं इसका क्या करूँ। उसके बाद भाई कहते हैं लवकेश शेविंग कर दे जो मेरी मशीन पड़ी है उससे। जी हाँ, इस तरीके की बातें करते हैं। उसके बाद शाना मकबूल कहती हैं तो कोई कर दो ना यार, मुझे वो सलानी वगैरह यहाँ पर नहीं आती, कैसी आपकी मशीन। उसके बाद भाई कृतिका कहती है मैं शाम को आपकी शेविंग कर लूँगी। जी हाँ, इस तरीके की बातें बिग बॉस के लाइव फीड में हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े एक्ट्रेस को कितनी प्रॉब्लम होती है आप तो समझ ही सकते हैं कि वो सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों सेविंग वगैरह भी करते हैं। बाकी दोस्तों बात करें तो आगे जाकर दोस्तों अरमान मलिक दोस्तों नेजी से सवाल पूछते हैं बाहर बैठे हुए। नेजी दोस्तों आखिर में दोस्तों साबित कर देता है कि मैं ही बार वाला हूँ, और अरमान मलिक और दोस्तों मान भी जाते हैं कि मैं बार यही बार वाला 100% मैं कहता हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करें तो दोस्तों अरमान मलिक की बात के ऊपर विशाल भी हंसते हैं, शिवानी भी हंसती हैं, उधर विशाल लवकेश बैठे हुए हैं पीछे, और लवकेश कह रहे हैं कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं यार, कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, इनको बार वाला तो पहचान में नहीं आ रहा है लेकिन ये बेवकूफ़ तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लवकेश कटारिया काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो अरमान मलिक और बात करें इनका दिमाग कुछ उल्टी साइड में ही चला। विशाल और शाना मकबूल को तो 100% कन्फर्म है कि लवकेश कटारिया बार वाला नहीं है। बाकी दोस्तों इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं।